मेहनत किए हो उसका रिजल्ट आपके पास है। ये रिजल्ट जो इस बार एग्जाम लिए हैं उसी का रिजल्ट है। इससे पहले जो एग्जाम लिए हुए थे शायद वो भी स्टूडेंट कुछ परसेंट है, उनका रिजल्ट अभी नहीं दी गई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए रिजल्ट उसका पेंडिंग, उसे भी रिजल्ट हम बहुत जल्द दे देंगे। लक्ष्य आज 22 से 23 स्टूडेंट या 24 के लक्ष्य में स्टूडेंट आएंगे वो पास है। आज वही स्टूडेंट पास है जो कि अपने आप में और हमारे जो भी टीचर थे यूनि के अंबेडकर ने उनकी बातों के मान के और उसकी सेंटेंसों की समझ के आज मेहनत किए हैं उसका रिजल्ट इसके पास है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं किसी काम को सिर्फ टाइम पास समझ के छोड़ दीजिए। आप लोग से क्वेश्चन करेंगे प्लीज साथ में जवाब दीजिएगा। जिन स्टूडेंट को यहाँ पे मेडल फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो प्राइज दिए हैं इतने अच्छे गेस्ट थे, आप बताइए खुशी हुआ कि नहीं हुआ? लग रहा कि नहीं हुआ? फिर जोर से बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? आपको क्या लग रहा है आप लोग यही तक सीमित रहिए कि आगे भी बढ़ना है? बहुत आगे बढ़ना है। हम लोग के टाइम पे इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती थी इसीलिए शायद हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ चुके हैं। आप लोग के पास बहुत सारा फैसिलिटी है। आप लोग जब क्लास जाते थे मम्मी पापा माँ बाप 8-4 रुपया देता था और इससे ज्यादा स्कूल और कॉलेज करके आते थे, लेकिन आप लोग के माँ बाप तो यार 100 नहीं 2-2 हजार रुपया जीवन देते हैं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम के ब्रेंच डेस्क और फैन नहीं होती थी, हम लोग बोरा बिछा के पढ़ते थे। आप लोग पास इतना सारा फैसिलिटी होने के बावजूद भी आप ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं। बेगीपुर में पहला इंस्टीट्यूट ऐसा है कि कंप्यूटर क्लास के लिए आप इतने सारे गैपनेस करते हैं, इतने सारे मेहनत करते हैं, आपके पीछे इतने सारे आप जो भी टीचर 6 से 7 टीचर है दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और आप लोग इसे यूं ही मजाक में उड़ा करके छोड़ देते हो। तो शायद आज आप समझ गए होंगे मजाक मजाक होती है और पढ़ाई पढ़ाई। आज जो 3 स्टूडेंट कहीं के मेहनत की है और किए हैं उसका देख लीजिए रिजल्ट, कहेंगे बहुत अच्छा मार्क्स रहा है। और आप लोग भी मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आता ही, और जो मेहनत नहीं किए हैं उम्मीद करते हैं सेकेंड एग्जाम फिर से हम लेने के लिए जा रहे हैं उसमें मेहनत कीजिएगा शायद ये अच्छा रिजल्ट आपको आ सकता। और जो भी रिजल्ट इससे पहले जिनके स्टूडेंट को क्वेश्चन होगा अब इससे पहले भी सर बोले हुए कुछ स्टूडेंट ऐसा भी है कि उन्हें लगता होगा कि मनीष सर जान बुझ के मुझे फिर जिन स्टूडेंट को ऐसा लगता हो उन स्टूडेंट के लिए पहले भी बता दिया गया। सबसे पहली तो क्वेश्चन ये समझ लीजिए हम शुरू से बोलते जा रहे हैं